देखिए, मुझे लगता है कि वो दीनदयाल जी उपाध्याय जी को माल्यार्पण करने कम गए हैं, वो आरजेडी को डराने ज़्यादा गए हैं और महागठबंधन को डराने गए हैं कि तुम अभी तक मुझे संयोजक नहीं बनाए हो। तो मैं एक पुरानी गीत का गाना वो याद कर लिए हैं डराने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हर कमरा, हर दरवाज़ा, हर खिड़की बंद है, फिर भी वो डराते हैं उस गाने के साथ कि मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो, लेकिन मैके का दरवाज़ा बंद है। और नीतीश कुमार डराने के सिवा और कोई नौटंकी नहीं है। वो तो बोलते हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, इधर उधर लोग बात करता कर, हम सबको एकजुट कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। मैं तो यही कह रहा हूं कि वो आज, मुझे लगता है कि पहली बार वो दीनदयाल जी के मूर्ति पर गए हैं माल्यार्पण करने। ये क्या है, ये आरजेडी को और इंडिया महागठबंधन को डराने के लिए गए हैं और कुछ नहीं। बेगूसराय की जो घटना, उसको क्या कहेंगे? बेगूसराय की घटना बड़ा दुखद घटना है। वहाँ जिला प्रशासन अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, एक तो हिंदुओं का शिवलिंग टूटा, 12 घंटे तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की और बेकसूर हिंदुओं को, सड़क पर चलते हिंदुओं को फुटेज देख देख करके गिरफ्तार कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज भारतीय जनता पार्टी बेगूसराय में इसके लिए एक धरना का कार्यक्रम भी रखा है। मैं समझता हूँ, मैंने तो ये ट्वीट किया है, ट्वीट नहीं है, मेरा दर्द है। मैंने प्रशासन को कहा है, अगर हिंदू होना अपराध है तो मैं भी एक अपराधी हूँ। अगर तुम सब, मैं भी वहाँ गया था, मुझे भी पकड़ो। कुंदन विधायक भी गया था, उसको भी पकड़ो। ये फुटेज क्या है? फुटेज में देख देख करके हिंदुओं को डराना, धमकाना, और ये रोज घटना घट रही है बेगूसराय में हिंदुओं के खिलाफ। एक नहीं, अनेक घटनाएं घट रही है। और मैं यही, जो हमारी सरकार है बिहार की, वो इसलिए हिंदुओं की परवाह नहीं करती है कि हिंदुओं को जात में बांटो और वोट लो और हिंदू मुस्लिम इकट्ठे है, मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ है, इधर हिंदुओं को जात में बांट करके वोट लो। मैं कहता हूँ, हे हिंदुओं, अब समय आ गया है, तुम जागो, इकट्ठा हो, नहीं तो एक एक करके ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे। सटे रूपोस्तु एक जगह, खुशरूपुर एक जगह है, वहाँ एक दलित महिला को पहले पीटा गया और दबंगों ने अपने लड़के से उसके मुंह में मूत्र करवा दिया। इस तरह की जो घटना है गिरिराज सिंह जी, ये लोग बोलते हैं कानून का राज। कानून का राज का परिभाषा बिहार सरकार ने बदल दिया है। उसका परिभाषा यही है, जहाँ बेखौफ हो अपराधी, यही है कानून के राज का परिभाषा। दलित के साथ किया गया, दलित महिला के साथ घटना घटी है, ये कानून पर एक तमाचा है, नीतीश कुमार की सरकार के ऊपर एक तमाचा है। संजय राउत कहते हैं कि राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हो गए हैं, जहां से चुनाव लड़ेंगे वहीं से जीत जाएंगे, और वैसे जी को उन्होंने सलाह दी है कि राहुल गांधी को नहीं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह
चैलेंज करें आपके चुनाव लड़ने। राहुल गांधी अमेठी से तो चुनाव हार गए, केरल से चले गए जीतने के लिए, अब उनको बम्बई में चुनाव लड़ा दे, मैं यही सलाह दूंगा। क्या होगा इंडिया गठबंधन का? मीटिंग होने वाली थी भोपाल में, कैंसिल हो गई। बार बार जब पूछा जा रहा था, बता दिया जाएगा, बता दिया। क्या होगा, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गुड़े कोई वहाँ गुड़े, स्वार्थ से जुड़ा हुआ कोई ऑर्गेनाइजेशन कभी टिक नहीं सकता। ये संतरे की तरह है इंडिया महागठबंधन, छिलका हटाओ तो सब अलग अलग फांक है। तो फिर राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि हम राजस्थान भी जीतेंगे, मध्य प्रदेश भी जीतेंगे, जहाँ जहाँ बाईपोल है छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे, बोलने में तो कोई किसी को मनाहट नहीं है। राहुल गांधी तो 14 से प्राइम मिनिस्टर देश के हो रहे हैं, देश की जनता ने नकार दिया है, विदेश में जाकर के वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।